तो भाई ये जो खुशियों का दौर है वो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां हम अभी अच्छे से यही नहीं पचा पाए थे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से मात दे दी है, तो कल के दिन भैया हमारी भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है वर्ल्ड कप में। क्या हुई ना बात। अब मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने पता नहीं कल का मैच देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपने कल का मैच नहीं देखा ना तो आपने भाई बहुत कुछ मिस कर दिया। सही पकड़े हैं। क्योंकि वुमेन्स का भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि भैया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है। हालांकि वुमेन्स की जो पाकिस्तान की टीम है वो मेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर है कंपेयर टू इंडियन टीम, तो अक्सर भारत और पाकिस्तान के वुमेन्स के जो मैच होते थे वो बहुत ही ज्यादा इजिली क्या कहते हैं इंडिया जीत जाया करती थी, लेकिन कल के दिन भैया फट के हाथ में आ गई थी। क्योंकि मैं यहां पे आपको ये भी बता दूं कि 90% लोगों का भैया ऐसा मानना था कि जीतेगी तो इंडिया ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वुमेन्स की जो पाकिस्तान टीम है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन भैया पहले बैटिंग करते हुए इतने प्रेशर वाले मैच में जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है वहां पे 150 रन मार देना वुमेन्स क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है, तो वहीं पे थोड़ी सी मेरी फटने लगी थी कि पता नहीं भैया इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, वर्ल्ड कप का पहला मैच है कहीं अशुभ शुरुआत ना हो जाए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और ऊपर से कांड ये हो रखा था कि भैया स्मृति मंधाना जो है वो वर्ल्ड कप की शुरुआत में इंजर्ड हो गई थी, जिस वजह से कल का मैच भी नहीं खेल रही थी, और पता नहीं आने वाले कितने मैच खेले या ना खेले, बहुत चांसेस है कि 2-3 मैच बाद ही देखेंगे क्योंकि भैया थोड़ी भारी इंजरी हो रखी है। लेकिन उसके बावजूद भैया शुरुआत में आई जेमिना रोड्रिगेज ने जो पारी खेली ना, कसम से भाई मजे करा दिए, बिल्कुल याद कराती वही पारी जो विराट कोहली ने अभी हाल ही में भैया T20 वर्ल्ड कप में खेली थी। हां भाई कैसी लगी आगे स्वाद? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में स्मृति मंधाना नहीं थी तो भैया शेफाली वर्मा और याशिका भाटिया आई थी। याशिका भाटिया एक छोटे स्कोर पे आउट हो गई थी, 17 रन भले ही मारे थे लेकिन काफी स्लो मार रखे थे, और भाई देखो वुमेन्स क्रिकेट में क्या होता है ना, जितना हो सके उतना पावर प्ले में मार लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने देखा है कि वुमेन्स क्रिकेट में आखिरी की इनिंग जो होती है वहां भी बहुत ज्यादा गियर अप नहीं किया जाता है जैसा कि मेंस क्रिकेट में होता है कि भैया आखिरी 5 ओवर में कहानी बदल दी, ऐसा ज्यादातर वुमेन्स क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भैया कल के दिन इंडिया को ऐसा करना ही करना था, क्योंकि जेमिना रोड्रिगेज भी जो फर्स्ट डाउन आई थी जहां पे जैसा मैंने कहा विराट कोहली भी आते हैं भैया और वर्ल्ड कप में उन्होंने भैया कमाल करा था, और वहां पे भी रोड्रिगेज आके पहले बहुत आराम से खेल रही थी, 2 पल के तो भैया मेरा दिमाग भन्ना गया था यार मारो कब मारोगे कब मारोगे। उधर से शेफाली वर्मा थोड़ा सा अच्छा जरूर खेल रही थी लेकिन उनका विकेट गिरा तो फिर से फट के हाथ में आ गई। वहां पे मेरी आखिरी उम्मीद जो थी वो हरमनप्रीत कौर से थी लेकिन वो आई वो भी आउट हो गई, पर उसके बाद भैया पहले ऋचा घोष आती है, जिस तरीके से चौके पे चौके उन्होंने एक ही ओवर के अंदर मारे, और आखिरी में रोड्रिगेज ने बता दिया कि हम टिक जो रहे थे ना वो अपनी मर्जी से टिक रहे थे, हम जब मारने पे आते हैं तो हम मार भी लेते हैं, और उसके बाद जब मारना उन्होंने शुरू किया तो भाई रुकी ही नहीं, जो मैच लगभग 3-4 ओवर पहले पूरे तरीके से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था 2 ओवर के अंदर पूरा का पूरा मैच ऋचा घोष और जेमिना रोड्रिगेज ने अपनी तरफ खींच लिया। जलवा है हमारा। अब देखो इंडिया के ग्रुप में जो मैच होना है उसका इंग्लैंड से होना है जो कि बहुत ही ज्यादा टक्कर वाला मैच होगा, क्योंकि इंग्लैंड थोड़ी सी इंडिया से स्ट्रांग टीम है। अच्छा हुआ कि भैया ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इंडिया का बहुत ही बुरा भैया हाल चलता है, लेकिन स्टिल भैया यही उम्मीद करते हैं कि ये जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है अगर ये इंडिया जीत गई तब तो भैया सेमीफाइनल में पहुंचने से इंडिया को कोई रोक ही नहीं सकता है। और साथ ही साथ ये भी अच्छा होगा, देखो इंग्लैंड से अगर हार भी गई और वेस्टइंडीज और नीचे आयरलैंड से जीत गई उसके बावजूद भी सेकंड रैंक पर रहेगी, लेकिन ये कंफर्म है कि जो पहला ग्रुप है वहां टॉप पे तो भैया ऑस्ट्रेलिया ही रहने वाली है। और अगर इंडिया भैया दूसरे ग्रुप में सेकंड में रही ना तो उसको खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए भैया बहुत जरूरी है कि वो इंग्लैंड से अपने ग्रुप में जीते ताकि सेमीफाइनल में उनको ऑस्ट्रेलिया से भैया जो है मुकाबला ना पड़े, वहां पे दिक्कत हो जाएगी, फिर फाइनल में पड़ेगा भैया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तब का तब देखा जाएगा कि क्या होता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि भैया इंडिया वुमेन्स के जितने भी मैच होने लगातार भैया जीतते रहे क्योंकि बहुत जरूरी है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना। अगर इस साल की शुरुआत हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के कर दे तो भैया फिर 2023 का जो अंत होगा ना वो भी 2023 वर्ल्ड कप को जीत के ही होगा, और बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी पड़ने वाली है। इस साल भैया इंडिया सारे ही ICC कप को जीतने का एक बहुत बड़ा मुद्दा रखती है, तो भैया फिंगर क्रॉस्ड है और यही उम्मीद करते हैं यही दुआ करते हैं कि ये जो जीत का सफर शुरू हुआ है ना हमारे 2023 में ये ऐसे ही सफर चलता रहे और जीत के साथ ही 2023 का अंत करे। हम करते हैं प्रबंध।
आप चिंता मत करो। वैसे भाई जो भी वीडियो देखा एक बार सच सच बताना कि कल का मैच किसने लाइव देखा था। चलो जब पूरा मैच अगर 40 ओवर नहीं भी देखे हो, आखिरी के 5-6 ओवर भी अगर देखे तुमने, सच में अगर लाइव देखे ना भाई, तो ऑनेस्टली कमेंट में जरूर बताना भाई जिसने भी देखा। ठीक है, बाकी लगे हाथ भाई आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हार्दिक पांड्या है वो वैलेंटाइन डे के अवसर पे यानी कि आने वाली 14 तारीख को दोबारा से शादी करने जा रहे हैं। बस यहाँ पे कैच ये है कि दोबारा शादी वो अपनी जो पत्नी है उनकी पहली क्या मतलब इकलौती पत्नी जो है उन्हीं के साथ शादी कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वैसे तो शादीशुदा ही हैं, लेकिन उन्होंने तब जो शादी करी थी वो असल में कोर्ट मैरिज थी भैया। पूरा फंक्शन वगैरह बढ़िया से नहीं हो पाया था। अब क्यों कोर्ट मैरिज करी थी भाई, 99% या फिर कहूँ 100% जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है ना भाई तो कमेंट बता देना, कोई ना कोई रिप्लाई तुमको जरूर दे देगा कि क्यों करी थी कोर्ट मैरिज। बड़ा हरामी हो बेटा। इसी के साथ भैया आपको एक और तड़का लगाने वाली खबर दे ही देता हूँ, और वो बात ये है कि भैया जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल 2023 के लिए दो टीमें थी जिनका कप्तान ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ था। एक तो है दिल्ली कैपिटल्स, वैसे तो ऋषभ पंत उनके कप्तान ही थे, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि भैया इस साल वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा डाइसी चल रहा है कि क्या डेविड वार्नर बनेंगे कैप्टन या नहीं बनेंगे। लेकिन जहां पे डाउट था भैया एसआरएच को लेके कि कौन कैप्टन बनेगा, क्योंकि एसआरएच ने भैया मयंक अग्रवाल को भी खरीद रखा है, तो बहुत लोग कह रहे थे वही बन सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 99% कंफर्म हो गया है कि जो मरकरम है वही एसआरएच के कप्तान बनेंगे। पहले थोड़ा सा डाइसी था कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन भैया जो साउथ अफ्रीका T20 लीग चल रही है जहां पे असल में पूरी हमारी आईपीएल की टीमों की कॉपी खेल रही है, तो वहां पे भी जो भैया सनराइजर्स की टीम है उसके कप्तान भी मरकरमी है, और बंदे ने भैया जिता दिया हैदराबाद को। मतलब हैदराबाद ने जो भी सनराइजर्स है साउथ अफ्रीका की उसको जिता दिया है, फाइनल जीत गए हैं। और सेम टाइम पे मरकरम भैया एकदम कप्तानी पारियां भी खेले, मैन ऑफ द सीरीज बना है बंदा, सबसे ज्यादा रन मारा है। तो अब इसलिए भैया 99 कहूं या 100% कंफर्म कहूं कि सनराइजर्स हैदराबाद के भी जो कैप्टन होंगे अब आपको उसमें मरकरमी दिखने वाले हैं। ये भी ठीक है। वैसे लगे हाथ भाई जो भी वीडियो देख रहा है ना ये भी बता दो कि तुम्हारे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन बनना चाहिए। भाई मुझे तो लगता है कि डेविड वार्नर ही बनना चाहिए, क्योंकि देखो कैप्टन बेकार है अच्छे हैं बात की बात है, हालांकि वो कैप्टन भी एक नंबर है। उन्होंने एसआरएच के लिए बहुत ही शानदार भैया कप्तानी करके बताया है कि एक नंबर के कप्तान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि जो वार्नर है ना भाई उसका जो इंटेंट है ना एकदम पवित्र है, एकदम प्योर है। कोई शक ही नहीं कर सकता कि भाई ये कुछ आलस करेगा, लापरवाही करेगा, बंदा जान लगा देगा भाई, पूरा झोंक देगा अपने आप को टीम को जिताने के लिए। मैं इतना जानता हूं, मतलब अगर मेरे हाथ में होता ना तो दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान मैं सच में डेविड वार्नर को ही बनाता। दो पल के लिए शायद मैं ऋषभ पंत से भी उनको पहले कप्तान बना देता। खैर जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि भाई डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे जो भाई मैंने पूछा कि कल का मैच तुम देखे थे लाइव कि नहीं देखे थे इंडिया पाकिस्तान का, जो भी वीडियो देख रहा है भैया कमेंट में जरूर बताइए। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो भाई, तो उनका नाम है गेमिंग स्क्वाड, जो लिखते हैं कि मेरा नाम है कार्तिक, व्हाइट बॉल में अक्षर पटेल और जडेजा इन दोनों में कौन खेलेगा। तो भाई मेरे मन में तो इस चीज को लेकर कोई भी डाउट नहीं है कि फिलहाल के लिए तो भैया जडेजा ही मेरी पहली चॉइस रहेंगे। और थोड़ा बहुत जो डाउट घूम भी रहा था, भैया जडेजा ने बता दिया है कि जडेजा है, अक्षर पटेल है। पर कोई देखो इसमें सैड होने की बात नहीं, अगर कोई चाहता भी है कि भैया अक्षर पटेल को खेलना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी प्लेयर ना लगातार नहीं खेलता रहता है, तो ये सोच के खुश हुआ करो कि हमारे पास बैकअप में अक्षर पटेल होगा, हमारा बैकअप कितना स्ट्रांग होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हमारी मेन टीम तो बहुत अच्छी खेल रही होती थी, लेकिन फिर भी हमारे मन में संकोच होता था कि भाई अगर इसे कुछ हो गया, अगर ये नहीं खेला तो पीछे बड़े ही फुहड़ लोग बैठे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी बात यह है कि भैया हमारे जैसे पेस में कह लें आप, शामी इतने अच्छे हो गए, सिराज इतने अच्छे हो गए कि लोग सोच रहे हैं बुमराह आएंगे तो किसको बाहर करेंगे। मैं कह रहा हूं जिसको भी बाहर करेंगे ये सोच के तो खुशी मिलेगी कि अगर बैकअप में कोई बैठा है तो भैया उमरान मलिक, सिराज जैसे लोग बैठे हैं, वही स्पिन में भैया अगर चहल नहीं भी खेल रहे हैं ये सोच के खुशी तो होगी भैया बैकअप में भैया चहल बैठा हुआ है, अक्षर पटेल बैठा हुआ है। वही सेम टाइम पे कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि भैया श्रेयस अय्यर आ जाएंगे तो सूर्य कुमार यादव क्या खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, तो ये सोच के खुश होगी भैया जब भी कुछ होगा, जब भी ऊपर से नीचे तक भैया कोई भी अगर दिक्कत आती है तो बैकअप में कौन है हमारे पास, खुद सूर्य कुमार यादव। तो ये सोच के खुश होगी भैया जो हमारा मेन बेंच स्ट्रेंथ भी बन रही है या फिर टोटल स्क्वाड जो 15-16 लोगों का बन रहा है वो बहुत तगड़ा बन रहा है। बाकी जो भी वीडियो देख रहे हैं भैया तुम लोग सवाल का जवाब दे देना, तुम होते तो भैया अक्षर पटेल को खिलाते या फिर जडेजा को खिलाते, मैं तो जडेजा को खिलाता। बाकी कमेंट
जरूर बता देना। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भैया वॉर्नर को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसका जवाब भी कमेंट जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ा सवाल, किस किस ने कल का मैच लाइव देखा भाई, दिल पे हाथ रख के बताना एकदम भैया, जो कहूंगा सच कहूंगा वो भी कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, कोई मन में सवाल है डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज खेल बाजार का, फटाक से जाइए फॉलो करिए, वहां पे जाके भैया रील्स वगैरह डालते हैं, रोज डालते हैं, लगभग एक दो दिन में तो डाल ही देते हैं एक रील, तो इसीलिए भैया वहां पे फॉलो कर लीजिए, सवाल अपने डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर किया जाएगा। बाकी शाम को बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाली, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कसम से, वो जरूर देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई अभी तक नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।